हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास वन इंग्लिश का चैप्टर थर्ड, आफ्टर अ बाथ। लेट्स स्टार्ट। आफ्टर माय बाथ आई ट्राई टू वाइप माय सेल्फ टिल आई एम ड्राई। हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर एंड टूज एंड टू विथ लेग्स एंड ए शाइनी नोज। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक If I were a dog and could shake. Now I am explaining in English. In this poem, the child is telling that what does he do after taking a bath? He tells he wipes himself till he becomes completely dried. He also wipes his hands, finger, toes, legs and nose. He thinks that if he were a dog, he would just shake and would soon get dried. अब मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। इस कविता में बच्चा कह रहा है कि वह नहाने के बाद क्या करता है। वह बताता है कि जब तक वह पूरी तरह से सूख नहीं जाता, तब तक वह अपने शरीर को पोंछता है। वह अपने हाथों, उंगलियों, पैरों की उंगलियों, अपने पैरों और नाक को भी पोंछता है। वह सोचता है कि अगर वह कुत्ता होता तो अपने शरीर को हिलाता और सूख जाता। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।